भाभी, ये चांद से निकलने से पहले के पल कितने मुश्किल होते हैं, है ना? अरे भूखे पेट में तो हर पल मुश्किल है। इसीलिए मैं नहीं चाहता था कि तुम इंतजार करो। देखो वो खोता विशाल अभी तक नहीं आया। आ जाएगा बाबूजी, अभी तक तो चांद भी नहीं निकला है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, पहले ये चांद का इंतजार करेंगे फिर उसका। दादाजी हम विशाल को देखकर आते कहाँ? हाँ हाँ, और इन दोनों का इंतजार करवाना, खड़े रहो यहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। दादाजी आप इन्हें जाने दीजिए, वैसे भी जब तक विशाल भैया नहीं आएंगे हम इसे कोई व्रत नहीं खोलेगा, क्योंकि हम सब ने सोचा है हम सब साथ में ही व्रत खोलेंगे। ठीक है जाओ। हे सरप्राइज, तुम लोग मुझे ढूंढ रहे थे और मैं नीचे बैठ के चांद के निकलने का इंतजार कर रहा था। क्या भैया, कितनी देर लगा दी, सब लोग आपका इंतजार कर रहे हैं, दिस इज नॉट फेयर। ये कैसा बचपना है विशाल। कम ऑन एवरीबॉडी, क्या मैं अपनी बीवी से कभी थोड़ा बहुत मजाक भी नहीं कर सकता? और फिर मैंने सोचा कि ये सबसे अच्छा सरप्राइज होगा कि मैं और चांद एक साथ आए। पर तेरा सरप्राइज तो फ्लॉप हो गया, क्योंकि तू आ गया लेकिन अभी तक चांद नहीं आया। और वैसे भी खुशी भाभी के पास तेरे लिए एक अनफॉरगेटेबल सरप्राइज है। वो कौन सा सरप्राइज? खुशी भाभी माँ बनने वाली। और तू बाप बनने वाला है तेरी तो। खुशी, खुशी आई रियली लव यू। कोई गल नहीं पुत्र, आज तुझे कोई नहीं रोक सकता। खुशी, ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खबर है, सबसे बड़ी। अरे चांद निकल गया। आज का ये चांद हमारे होने वाले चांद के टुकड़े की खबर लाया है, और ये दिन मैं हमेशा याद रखूंगा।